लाखों के लाखों मुकदमे लोअर कोर्ट से आकर के हाई कोर्ट तक आते आते लगभग हर गवाह मुकर जाता था जो कुछ कहता था। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि गवाह की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो वो कह रहा है वो जिम्मेदारी से कह रहा है और उसको एक वैधानिक एक कानूनी विधान से जोड़ दिया गया, उसके बाद से आप देखते हैं कि गवाही देने जितने भी लोग आ रहे हैं उनके अंदर एक डर है कि मैं आज जो बात कह रहा हूं कल पूरी तरह से उससे मुकर जाऊंगा तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह के लोकप्रिय नारों की बदौलत, जिस तरह के लोकप्रिय वादों की बदौलत, जिस तरह के लोकप्रिय सिद्धांतों की बदौलत हमारी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम राष्ट्रीय पार्टियां जनता से वोट मांगती हैं, जीत कर आती हैं और बाद में उतनी ही निर्लज्जता से, उतनी ही फुहड़ता से उनकी परवाह नहीं करती और हद तो ये है कि वो इतनी भी शर्म नहीं करती कि थोड़ा अभिनय ही कर लें, सड़क में विरोध करते हैं, नंगा विरोध करते हैं, लगता है आत्मदाह की हद तक विरोध कर रहे हैं और संसद में जाकर कहते हैं हम इस सरकार को नहीं गिरने देंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो स्थिति आ गई है, अब वो समय आ गया है कि राजनीतिक सिद्धांतों का, जिन सिद्धांतों की बदौलत आप जनता से वोट लेते हैं उनका भी कहीं मानकीकरण हो, उनमें भी कहीं वैधानिक अंकुश हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं को, अपने राजनीतिक वक्तव्यों को और यहाँ तक कि अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को एक लीगल सम्मान देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते तो वो किसी भी हद तक कुछ भी कह सकते। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जैसे, हालांकि हम इसमें उपाय भी डिस्कस करने वाले थे लेकिन आपने मुद्दा उठाया तो इसको पूरा कर लेते हैं कि जिस तरीके से किसी दल से टूटकर बाहर आने के लिए एक पर्याप्त संख्या बल चाहिए, वैसे ही जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे यूपीए 2 की सारी पार्टियां अगर इन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तो बाहर पड़ने का भी नियम होना चाहिए और दूसरे ने बाहर से समर्थन देने का भी नियम। मैं यही कहने, अब मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था कि 90 के दशक के पहले तक जिसका जब मन होता था, जितनी संख्या होती थी दल बदल कर लेता था। कम से कम बोम्मैया केस आने के बाद, बोम्मई के केस के आने के बाद कम से कम एक नियम बना, उस नियम से हालांकि उसमें चोर दरवाजे निकाल लिए गए, बहुत सारे लोगों ने चोर दरवाजे निकाले, उन चोर दरवाजों को तमाम राजनीतिक पार्टियां जानती भी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नैतिक प्रभाव पड़ा, एक लगा कि नहीं आप यहां तक नहीं जा सकते। आज की तारीख में हमारी राजनीति में किसी भी हद कोई नैतिक अंकुश रह ही नहीं गया, कोई शर्म रह ही नहीं गई, कहीं से मर्यादा का कोई भाव ही नहीं रहेगा। इसे आधुनिकता मान लिया गया है, इसे राजनीतिक समझदारी मान लिया गया है। ये राजनीतिक समझदारी नहीं, ये घोर अवसरवाद है और ये घोर अवसरवाद राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, कॉलर की बात सुनते हैं, काफी कॉलर वेटिंग में है, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार जी। हेलो, बोलिए, क्या कहना है? ये गांधी जी के 3 बंदर थे, उसका कुछ मतलब था? इन्होंने जो जो हाँ इन्होंने जो उल्लू बिठाया हुआ है जो प्रधानमंत्री, लाइक है ही नहीं तो फिर इन्होंने किस लिए बिठाया हुआ है? ये कुछ बोल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। सुरेश जी, ये जनता का आक्रोश है, ये निकल कर आने वाला। हम कहते हैं कि टेलीविजन पर प्रतिक्रिया देते हुए आपको थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना होगा, हम जानते हैं कि आप में बड़ा गुस्सा है और अभी तो प्रधानमंत्री अगर लोगों के सामने मिल जाए तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा शब्द यूज करना गलत है, लेकिन लोगों के गुस्से का आकलन अगर मीडिया लोगों के सामने और नेताओं के सामने सच्चाई के रूप में नहीं रखेगा तो आपने प्रोफेशन से भी वो बेईमानी करा। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को अब समझना चाहिए कि लोग टीवी चैनल पर कॉल करके अपना नाम बता के क्या शब्द यूज कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये जनता की अब हद हो गई, सर से पानी